कल एक वीडियो वायरल हुआ है वो मनोज भाटिया करके, उसका वीडियो वायरल हमको अच्छा नहीं लगा। वो जो मलबे का बोट आके वो कोई भी आके फिशिंग कर सकते हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो गोवन कोस्ट है वो 365 है और उसका कर्नाटक का महाराष्ट्र जो है वो बहुत है उसका, वो क्या 700 के ऊपर है वो लोग का कोस्ट। देख जब भी कुछ होता है हमारा कोस्ट इतना छोटा है, हमको हमारा फिशरी में दूसरा कुछ कायदा कानून है, हमारा जो अभी छोटा बोट है उसको 9.9 इंजन लगा सकते हैं, अभी ये मलपे का जो बोट है वो 700 हॉर्स पावर है, वो कोई भी आके फिशिंग इलीगल नहीं बोलता उसको, वो कोई भी फिशिंग आके कर सकता है। मलपे का जो बोट है मलपे में उसको खुद फिशिंग करने को नहीं देता है, तो हमारा गोवा में आके वो फिशिंग करता है, वो इलीगल है। हर जगह में बाबा उसका कोस्ट रहता है, बाबा एक 700 हॉर्स पावर है उसको जगह रहता है, बाबा वो किधर फिशिंग करने का। हमारा गोवा में एक कायदा है हमारा इसका ट्रेडिशनल फिशरमैन को, बाबा वो 12 नॉटिकल बायर वो इंजन नहीं यूज़ कर सकता है ऐसा। बाद में ये क्या बाहर का बोट जो आता है 700 हॉर्स पावर लगा के वो फिशिंग करता है, हाँ। और बाद में क्या अभी कितना दिन हुआ हम उसको ये करता है भगाता है, फिर भी वो लोग आके फिशिंग करता है। अभी आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? हिंदी में आप क्यों बोल रहे? देख हिंदी में बात कर मजबूरी है, क्योंकि फिशरी में जो है डायरेक्टर है IAS है वो भी हिंदी में बात करता है। पहली बार ऐसा हुआ हमारा गोवन फिशरी में हम हिंदी में बात करने को गिरता है, हमको बात करने के लिए आता नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं उसको समझाने को। कोंकणी में बात अभी तक तुम्हारा नहीं सुना इसलिए आप हिंदी में बात कर, उसको समझता नहीं, हम कुछ बोलता है उसको समझता नहीं, वो हमारे मुंह के अंदर से वो सुनना चाहेगी बाबा क्या प्रॉब्लम है कैसा है, क्यों खुद वो बोलती है बा हमको समझने को आता नहीं। हर साल ऐसा क्यों होता है बाबा, फिशरी के अंदर स्टडी करना को पड़ता है, अभी कितना साल हुआ कोई आता है स्टडी करना पड़ेगा बोलता है LED लाइट के ऊपर, बाद में मलपी बुल ट्रॉलिंग के ऊपर, अभी हर कोई अभी बुल ट्रॉलिंग करता है इधर, बुल ट्रॉलिंग करने के लिए बहुत बाहर जाना पड़ता है वो लोग को, लेकिन ये 5 किलोमीटर के अंदर बुल ट्रॉलिंग करता है, फिर भी ये लोग बोलते हैं इंडिया का कोई आके किधर भी फिशिंग कर सकता है बोलता है, ये ऐसा कैसा हो जाएगा? तो फिशरीज डिपार्टमेंट को कोस्ट फिशरीज डिपार्टमेंट को कोस्ट गार्ड को और IAS ऑफिसर को कोंकणी में नहीं समझता है, उसको कोंकणी वही से वो हमको पूछता है थोड़ा बाबा हमको समझाओ ये तुम्हारा इलीगलिटी है वो क्या है, हम लोग बहुत ट्राई किया उसको समझाने को। लास्ट कोंकणी एक दोन त्रास सांगते जाता, आता तिका सांगला आम्ही बाबा आमच्या इथून किने जाता पळ ते, शी वेल अंडरस्टूड नाव, आता तिका सोजमोला ही बाबा आमचे किदें प्रॉब्लम आनी किदें पळय ते, आता ती एग्री जाल्या बाबा आपका कोस्टलाक इन्फॉर्म केला तियेन, कोस्ट गार्डाक इन्फॉर्म केला तियेन बाबा आमकां सपोर्ट करचो म्हणो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक।